इमीडिएट तरीके से अपना वेट कम करने की, जैसे गोली खा लें, कुछ ऐसा बटन दबा दें जिससे फौरन हमारा वेट कम हो जाए। रोइंग मशीन, क्योंकि रोइंग मशीन से मुझे महसूस होता है कि फुल बॉडी को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर वेट मेरा अड़ गया, फंस गया, जो आखिरी 8 किलो थे उसके लिए फिर मैंने दिन में 2 दफा एक्सरसाइज स्टार्ट किया। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी ट्रिक है, वो कौन सी टिप्स हैं जिसके थ्रू आपने वेट कम किया है। तो आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी नॉट सो हिडन सीक्रेट। नॉट सो हिडन सीक्रेट इसलिए क्योंकि ये वो सब बातें हैं जो हम जानते हैं लेकिन हम खुद इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हम किसी इमीडिएट तरीके से अपना वेट कम करने की, जैसे गोली खा लें, कुछ ऐसा बटन दबा दें जिससे फौरन हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेट कम करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत जतन करनी पड़ती है। आप लोगों को पता है कि मैंने नूर की प्रेगनेंसी के दौरान भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की, मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया कि मुझे 45 किलोज वेट चढ़ गया था। अभी भी मैंने 40 किलो कम किया है, 5 किलो अभी भी मेरा जो नॉर्मल वेट होता है उससे ज़्यादा है, लेकिन इस बार वेट लूज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि कहते हैं कि हर प्रेगनेंसी के बाद इट बिकम्स डिफिकल्ट, और मेरी क्योंकि 5 प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं जिनमें 2 मिसकैरेजेस थी और 3 माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं बायोलॉजिकल, तो इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी। लेकिन एक चीज़ जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, ये कमरा था घर में, इसको मैंने जिम बनाया, क्योंकि जिम जा जाके एक्सरसाइज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑब्वियसली ये 2 साल की बच्ची है, 6 साल का बच्चा है, 16 साल का बेटा है, फैमिली कमिटमेंट्स हजार और चीज़ें, बार बार जिम जा जाके मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने पैसे सेव कर करके कुछ चीज़ें मैंने यूज़ में भी दी, जैसे कि एक एक्सरसाइज बाइक मैंने परचेज की, फिर मैंने ये ट्रेडमिल एक्सरसाइज मैंने गिफ्ट की थी एनिवर्सरी पे कोई 2 साल पहले, देन ये रोइंग मशीन, क्योंकि रोइंग मशीन से मुझे महसूस होता है कि फुल बॉडी को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज भी हो जाती है, एंड देन एन इलेक्ट्रिकल ट्रेनर जो मेरे पास बहुत अरसे से है। सो ये 4 कार्डियो रिलेटेड मशीन्स ली, सिंपल सा एक बेंच लिया, उसके साथ कुछ वेट्स लिए जो मुझसे मेरे लिए स्पेसिफिक थे, एंड इस कमरे को थोड़ा सा वो अपनी तरफ से रॉन्की बनाने की कोशिश की, उसका क्रेडिट मैं दूंगी निदा को जो मेरी स्टाइलिस्ट भी हैं और इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। मैंने कहा निदा यार रूम है, इसको हमने किसी तरीके से ऐसा बनाना है कि थोड़ा सा इंस्पिरेशनल हो जाए। सो दैट दिस रूम के रूम टू बी एक्सरसाइज करनी शुरू की, क्योंकि एक इशू मेरा जरूर है कि जब मेरे एक बच्चे का 50 और चीज़ें होती हैं तब मेरे लिए वर्जिश करना मुश्किल हो जाता है। सो हर रोज एक दफ़ा दिन में आके मैं यहाँ वर्कआउट करती थी और मैंने अपना वेट कोई 10 किलो का आ गया। अच्छा, जो बाकी के 8 किलो स्टक थे, 20-22 किलो तो वैसे ही उतर गए बेटी के बाद, ये वो लाइफ जिंदगी उनको फीड करा दी थी, उसके बाद जो बाकी का वेट था उसको उतारने के लिए मैंने एक्सरसाइज शुरू की। अच्छा, अब फिर वेट मेरा अड़ गया, फंस गया, जो आखिरी 8 किलो थे उसके लिए फिर मैंने दिन में 2 दफा एक्सरसाइज स्टार्ट किया। अब उस 2 दफा एक्सरसाइज में एक टाइम तो प्योर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज थी, यानी कि वॉक, चहलकदमी, जिसकी मैं अपने मॉर्निंग शो पे भी बात करती हूँ, अपने देश के बहुत सी वीडियोज पे भी मैंने ये बात की है। सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड आउटडोर एक्सरसाइज, क्योंकि मौसम भी कुछ ठीक था लाहौर में उन दिनों में। सो एंड बाय द वे मेरी कराची में ड्रामे की शूट भी चल रही थी, वहां पे भी दिन में 2 दफा नहीं एक्सरसाइज कर सकती तो मैं 1 दफा कर रही थी। सो दिस इज द स्पेस फॉर आई एक्सरसाइज। अब वेट लूज कैसे किया और उसकी डिटेल्स वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और वीडियो में, जब मैं आपको उस जगह लेके जाऊंगी जहां पर मैं बाहर एक्सरसाइज करती हूँ। एंड आई टेल यू वन थिंग, बाहर निकल के एक्सरसाइज करना, चहलकदमी करना बहुत फर्क पड़ता है, इंसान का माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। अब उसमें मैं क्या करती थी कि उसमें या मेरे हस्बैंड मेरे साथ चले जाते थे, मेरी sister, वो भी वेट लॉस की अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही थी, तो वो वेट लॉस की तो हम दोनों ने साथ करना शुरू कर दिया। सो एंड वो शी इज ऑल्सो बाय द वे मदर एंड शी हैज टू चिल्ड्रन। सो बात यह है कि हमने कुछ ऐसे अपनी कोऑर्डिनेशन की कि जब दोनों के पास विंडो होती थी एक्सरसाइज करने की तो हम करते थे। वेट लूज करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करने से फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म जिसम जरा सिमटा हुआ रहता है,
बिकॉज जब आप अपनी डाइट को एडजस्ट कर रहे होते हैं उसके साथ जब आप बहुत स्पीड से वेट लूज करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो वो एक टर्म है ढलक जाना, तो जिसम जरा ढलक जाता है। सो उसको यंग रखना और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज साथ साथ करते हैं तो वो बहुत अमेजिंग सी कॉम्बिनेशन हो जाती है। याद रखिएगा, इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट 70% आपकी डाइट है, 20% आपकी एक्सरसाइज है और 10% आपकी नींद और आपका पानी कंजम्पशन। इस पर मजीद आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी अपनी अगली वीडियो में जो मैं आपको बात करूंगा।